हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू मिड लाइफ हॉलीडेज़। दोस्तों, विंटर आ चुका है, स्नोफॉल का सीज़न शुरू हो चुका है और अगर आप मनाली आना चाहते हैं तो 28 दिसंबर से तो डेली यहाँ स्नोफॉल होता ही रहता है ना। अभी बात करें तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मनाली आ रहे हैं, स्नो में खेलते हैं, तो आप लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं ना, तो आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्नो में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनका कोई पैसा नहीं लगता। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहली एक्टिविटी की, जो कि वर्ल्ड फेमस है, दुनिया जानती है। सबसे पहले आपको कुछ स्नो लेना है और उससे आपको स्नोमैन बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले एक्टिविटी है कि आप यहाँ आकर स्नोमैन बना सकते हैं। बड़ा बनाइए और उसके बाद स्नोमैन को मफलर और हैट और चश्मा ज़रूर पहना देना, और हो सके तो एक कोल्ड ड्रिंक भी दे देना। तो इससे क्या है कि आपका स्नोमैन ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं, तो सेकेंड एक्टिविटी है कि आप आइस बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक सकते हैं। जी हाँ, आप आइस बॉल बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक सकते हैं और ये काफ़ी एंटरटेनिंग होता है और ग्रुप में भी खेला जा सकता है, बट मिनिमम 2% रिक्वायर है। स्नोमैन तो आप अकेले भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप खेल रहे हो ना स्नोबॉल से, तो हो सकता है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आए। बात करते हैं थर्ड एक्टिविटी की। थर्ड एक्टिविटी, आप अपनी शेडो बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्नो में ऐसे पीछे गिर जाते हैं और लेटने के बाद उनकी एक शेडो उस पर बन जाती है और फिर उस पर वो बटरफ्लाई भी बना देते हैं कभी कभी। तो ये एक्टिविटी भी आप स्नो में आकर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, अपने बच्चों के साथ अगर आप आ रहे हैं तो कैनवास से कलर्स लेकर आए, वाटर कलर लेकर आए, तो आप इसको प्लेन करके इसके ऊपर पेंटिंग्स भी बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी एजुकेशनल टाइप की एक्टिविटी है जो आपका बच्चा करना बहुत पसंद करेगा। तो ये एक्टिविटी यहाँ पर बहुत फेमस है, जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी स्लाइड एक्टिविटी। तो स्लाइड करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है कि कहीं आपको एक स्लोप मिल जाए, तो कहीं अगर आपको ऐसा लगे थोड़ी पहाड़ी है वहाँ से आप स्लोप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो आइस की लेयर है उसको आप प्लेन कर लीजिए और उसके बाद आप उस पर स्लाइड कर सकते हैं। इसे करने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, तो बेशक आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यहाँ ये मज़ा आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि आप यहाँ पर स्नो से इग्लू बना सकते हैं। वो बड़ा नहीं जिसमें रहते हैं, हम छोटे इग्लू की बात करते हैं। तो एक आप छोटा इग्लू बना सकते हैं और उस इग्लू में आप लोग अच्छे से उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है जो यहाँ पर लोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैंने काफ़ी एक्टिविटीज़ बनाई है और इनमें से किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बस कलर वाले में थोड़ा पैसा खर्च होगा, बट वो भी आप ही का है। तो ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। साथ ही अगर आप लोग मनाली आ रहे हैं और हमारे साथ घूमना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ घूमना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल मिड लाइफ हॉलीडेज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मैनेजर को कॉल कर लीजिए। अगर आपको पैकेज चाहिए, पैकेज दिलाएंगे, वॉल्वो चाहिए, वॉल्वो दिलाएंगे, होटल चाहिए, होटल दिलाएंगे, टैक्सी चाहिए लोकल साइट सीन के लिए तो वो भी दिला देंगे। तो जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरा करेगा मिड लाइफ हॉलीडेज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ।